ये है रोटी बनाने की सबसे कॉम्पैक्ट मशीन, जो सिर्फ एक घंटे में 300 रोटी तैयार कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 300 रोटी। अभी तक हमने आपको बड़ी बड़ी मशीन दिखाई जो सिर्फ एक घंटे में 1000-1200 रोटियां तैयार करती थी। आपने कमेंट भी किया कि सर ये काफी बड़ी मशीन है, होटल रेस्टोरेंट के लिए कोई छोटी मशीन लेकर आइए। तो बस ये रही आपके सामने कॉम्पैक्ट रोटी मशीन। अब आप भी जानते हैं कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथते हैं और उसके बाद लोई बनाते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आटा गूंथने के लिए आप महेज कंपनी की ये डोनेटर मशीन यूज कर सकते हैं। ये 5 किलोग्राम आटा सिर्फ 5 मिनट में गूंथ देती है, और इससे जो आटा तैयार होता है आप जो हाथों से गूंथते हैं उससे भी बेहतरीन आटा तैयार करती है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाउल में आटा, पानी और थोड़ा सा ऑयल डालकर मशीन स्टार्ट कर दीजिए। इसकी वर्किंग प्रोसेस तो आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से गूथ रही है। 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है, तो आटा गूथने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, और 5 मिनट के बाद ही आप देखिए काफी अच्छे क्वालिटी में आटा गूथ गया है। बताइए हाथों से अच्छा गूथा है कि नहीं। अब जितना भी डो रेडी हुआ है, इसका डो बॉल यानी कि लोई बनाने के लिए इसे हम डो बॉल कटर मशीन में डालेंगे। अभी आप इसकी वर्किंग देखिएगा कैसे ये मशीन बस चुटकियों में डो बॉल तैयार करेगी। यहाँ हॉपर में डो डालने के बाद जैसे ही प्रेशर स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए डो बॉल निकलना स्टार्ट हो गया है। इसमें सेंसर लगा हुआ है और ये बिल्कुल सेंसर बेस्ड वर्क कर रही है। जैसे ही डो बाहर आता है तो ये ब्लेड पीस बाय पीस कट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग हो रही है। यदि आप चाहें तो बॉल के साइज को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने साइज में कटिंग करना चाहते हैं या फिर कितने साइज में बॉल बनाना चाहते हैं। इसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ है जिससे कि ये पूरी मशीन वर्क कर रही है। यदि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो ये मशीन सिर्फ एक घंटे में 2000 से 2500 बॉल बनाकर रेडी कर देती है। आप इसमें 10 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक बॉल तैयार कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज के बॉल बनाना चाहते हैं। पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से डिजाइन की गई है, तो लाइफ टाइम तक इसके बॉडी में कोई इशू नहीं आएगा। मशीन बहुत बड़े साइज की नहीं है, इसका लेंथ 34 इंच, विड्थ 19 इंच और हाइट ज्यादा नहीं सिर्फ 26 इंच है, तो आपके एक छोटे से होटल में भी आसानी से आ जाएगी। यदि इसका वजन देखें तो लगभग 59 किलोग्राम है, तो 2 लोग मिलकर आसानी से उठा लेंगे। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसको चलाने के लिए सिंगल फेस कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपको अलग से कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी बॉल की आप क्वालिटी देखिए, सभी एकदम बराबर साइज के हैं, इनके साइज में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मशीन में आटा भी गूंथ गया और साथ ही में डो बॉल भी तैयार हो गया। अब मेन चीज है इसको बेल कर सेकना, और सबसे ज्यादा मेहनत तो बेलने और सेकने में ही करनी पड़ती है। लेकिन रुकिए, ऐसी कोई मशीन नहीं जो मशीन वालों के पास मिलती नहीं। ये रही आपके सामने मैनुअल रोटी मशीन। जी हाँ, बिल्कुल तीनों मशीन लेकर आए हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक। तीनों की आप वर्किंग देखिएगा, तीनों मशीन एक से बढ़कर एक है। ये मशीन साइज में काफी छोटी है और इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो आप मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले MCB ऑन करिए। अब जैसे ही पावर ऑन कर देंगे तो लगभग 5 से 10 मिनट में इसका टेम्परेचर 255 डिग्री पहुंच जाएगा। इसमें 2 बर्नर लगे हुए हैं, एक टॉप और एक बॉटम, दोनों को रेगुलेटर से स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ ऊपर डो बॉल रख कर इस हैंडल को प्रेस करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस 2 सेकंड में ही बॉल प्रेस होकर तवे में आ गया। डबल बर्नर लगे हुए हैं, इसलिए रोटी पकने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा और ये रोटी बिल्कुल फूल कर रेडी हो जाएगी। और आप इस रोटी को देखिए कितने अच्छे तरीके से फूली हुई है। स्पेशली इस मशीन का यूज करके आप एक घंटे में लगभग 750 रोटी प्रेस कर सकते हैं, और 150 एकदम पकी हुई रोटी तैयार हो जाएंगी। अब ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन देखिए, जो काफी कॉम्पैक्ट साइज की है और इसे बिल्कुल यूनिक डिजाइन में बनाया गया है। ये मशीन छोटे होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये मशीन सिर्फ एक घंटे में 250 से 300 रोटी तैयार कर देती है। सबसे पहले MCB ऑन कर दीजिए। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टैंड बाई मोड में छोड़ दीजिए, जिससे मशीन प्रॉपर हीट हो जाए। यहाँ से मोटर का स्विच ऑन कर दीजिए। इसमें भी डबल बर्नर लगे हुए हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। रेगुलेटर के जरिए आप इन दोनों बर्नर को स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप बर्नर का फ्लेम वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहीं से घटा बढ़ा सकते हैं। मशीन के पीछे एक गैस प्रेशर वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, यदि आप हाई लो करना चाहते हैं तो यहीं से कर पाएंगे। अभी जो बॉल तैयार हुए थे उसे यहाँ मशीन के ऊपर रखिए, और रखते ही आप देख सकते हैं कि मशीन ने प्रेस करके नीचे तवे में भेज दिया।
यहाँ पर डबल बर्नर लगे हुए हैं, इसलिए रोटी पकने में बहुत समय नहीं लगता है। मुश्किल से 20 सेकंड में एकदम पकी हुई रोटी रेडी हो जाती है। और ये देखिए, रोटी एकदम से तैयार हो गई है। ये बिल्कुल इजी टू ऑपरेट मशीन है, कोई भी चला सकता है। इसमें 0.5 HP गोदरेज कंपनी का मोटर लगा हुआ है, इसलिए क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। ये 220 वोल्ट सिंगल फेज कनेक्शन से ही चल जाएगी, अलग से कनेक्शन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। रोटी की थिकनेस देखें तो इसका यूज करके आप 1 mm से लेकर 2.5 mm तक रोटी बना सकते हैं, और साइज में लगभग 3 इंच से लेकर 7 इंच तक रोटी तैयार कर पाएंगे। जितना आपको या फिर आपके कस्टमर को पसंद हो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज में बनाना चाहते हैं। इसमें रोटी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों यूज होता है। इलेक्ट्रिक देखें तो जब आप 1 घंटे मशीन चलाएंगे तो सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम होगा, और गैस कंजप्शन की बात करें तो 1 घंटे मशीन चलाने पर सिर्फ 0.5 किलोग्राम गैस यूज होता है। और यदि आप 1 घंटे मशीन चला लेंगे तो लगभग 250 से 300 रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। इसलिए ये मशीन हर एक छोटे बड़े रेस्टोरेंट, कैटर्स, टिफिन सेंटर, कंपनी की कैंटीन, टेम्पल या फिर होटल वगैरह के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है, तो आप टेंशन फ्री होकर मशीन खरीद सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 250 से 300 रोटी पर आवर है। यदि आप और अधिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नई मॉडल की ये ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। इसे बिल्कुल न्यू मॉडल में डिजाइन किया गया है। जहां पर वो मशीन सिर्फ 1 घंटे में 300 रोटी तैयार करती थी, वहीं पर ये मशीन 1 घंटे में 900 रोटी तैयार कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 900 रोटी। इसमें 2 मशीन कंबाइन करके डिजाइन किया गया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रेसिंग यूनिट है, और नीचे बर्नर लगा हुआ है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि ये डबल तवा की मशीन है। जी हाँ बिल्कुल, पिछली बार आपने जो देखा था वो सिंगल तवा की थी, लेकिन इसमें डबल तवा लगा हुआ है। सबसे पहले दोनों तवे के बर्नर स्टार्ट कर दीजिए। अभी इसको हीट होने में 10 मिनट का समय लगेगा, और जैसे ही तवा हीट हो जाएगा तो एक लाइन से रोटी निकलती जाएगी। इसका आप डिज़ाइन और शेप देखिए, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन में बनाया गया है। जैसे ही मशीन प्रॉपर हीट हो जाए तो बॉल यहाँ प्रेसिंग यूनिट के ऊपर रखिए, और यहाँ से प्रेस होकर ये लगातार तवे में आ रहा है। अभी ये सबसे पहले ऊपर वाले तवे में बेक होता है, और यहाँ पर बेकिंग होने के बाद नीचे वाले तवे में चला जाता है। यहाँ पर रोटी अच्छे से पकती है, और पकने के बाद गर्मा गर्म रोटी आप देखिए एक लाइन से बाहर निकल रही है। इसकी आप क्वालिटी नीचे हमें कमेंट करके बताइए, अभी करिए। इसी का एक दूसरा मॉडल भी आता है, इसे बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में डिजाइन किया गया है। ये मशीन 1 घंटे में 800 से 900 रोटी तैयार कर देती है। वर्किंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस आपको डो बॉल रखना है, और यहाँ पर प्रेस होकर रोटी डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट में आ जाती है। इसमें 3 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं, और तीनों से गुजरते हुए रोटी काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाती है। और यहाँ आप आगे देखिए, एक लाइन से गर्मा गर्म रोटी निकल रही है। स्वाद में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी रोटियाँ गैस में बन रही हैं। इसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ है, और 1 घंटे मशीन चलाने पर लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम गैस कंज्यूम होता है। यदि आप बड़े लेवल में रोटी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये मशीन काफ़ी बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा यदि आप प्राइस या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप एक बार कॉल करके लेटेस्ट प्राइस पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम इसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है, तो एक बार कॉल ज़रूर करिए। और एक चीज़ तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि न्यूटेक इंडिया सिर्फ एक ऐसा चैनल है। यहाँ पर चाहे बात की जाए रोटी सब्जी बनाने की मशीन, या फिर पोहा इडली डोसा बनाने की मशीन, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन अवेलेबल है। तो एक बार जाइए, विजिट करिए, हमारे कहने पर नहीं, खुद से जाइए, हो सकता है कोई एक मशीन आपका काम आसान बना दे। अभी यहाँ पर जितनी भी रोटी तैयार हो रही है इसकी आप क्वालिटी बताइए, कितने अच्छे क्वालिटी में तैयार हुई है। स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में नहीं तुरंत करिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही नई नई मशीन वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको सब्जी बनाने की वीडियो दिख रही है, इसे आप ज़रूर देखिए, बहुत ही गजब की मशीन है।